देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। पुलवामा में सैनिकों के ऊपर पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादियों के हमला में मारे गए सैनिकों के सम्मान में आज मऊ जनपद का हर जर्रा जर्रा बगावत पर उतर गया है। गांव गांव नौजवान जुलूस निकाल कर रोष प्रकट कर रहे हैं। मऊ जनपद की विपल्लवी धरती दोबारा, जहां के बहादुर हरक सिंह व हुलार सिंह दोनों सगे भाइयों ने 1897 में अंग्रेज कलेक्टर को मौत के घाट उतार कर हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे, आज उसी गांव के नौजवान पुलवामा शहीदों की शहादत से तमतमाए हुए हैं। शनिवार की शाम 4 बजे सैकड़ों की संख्या में ओम प्रकाश पांडे के अगुवाई में पाकिस्तानी का शव यात्रा निकालकर पुतला दहन किए। वहीं एडवोकेट जनरल पंडित कन्हैया लाल के गांव मर्यादपुर तथा शहीद ब्रिगेडियर उस्मान के गांव बीबीपुर सिपाह दरगाह एवं फतेहपुर तालरतों में भी महिलाओं तथा नौजवानों ने पुतला दहन किया तथा एकता का परिचय दिया। वहीं गुलाबी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष मीरा यादव के अगुवाई में सैकड़ों महिलाओं ने हुंकार भरते हुए पुतला दहन कर पाकिस्तानी परस्तों पर कार्रवाई करने की मांग के साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाती रहीं। जितनी हमारी बहनें विधवा हुई हैं, उससे 3 गुना विधवा बहनों को पाकिस्तान की करके रहेंगे। सारे नगर पंचायत ने भ्रमण कर शोक सभा की। इस संबंध में मीरा यादव सर, ये हमारे जवान सब हमारे बच्चे मार गए, हम बहुत दुखित हैं। सरकार से मांगना चाहती हूँ कि हमको जो है कि पूरी छूट दे दे, साफ सफाइया हो जाए, हमारा जान का बदला जान मिल जाए और खून के बदले खून चाहिए। यादव का कहना है कि सरकार के अविलंब का बदला लेना चाहिए। वहीं ओम प्रकाश पांडे ने ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए सरकार से अपील की। पुलवामा में सैनिकों की शहादत से आज यह इलाका फिर एक बार आजादी के महासंग्राम सरीखे की तरह उबल रहा है। मऊ से संवाददाता जगदीश सिंह की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।